अनंतनाग मुठभेड़ में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और श्रीनगर सेक्टर सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर हलकन गली के जंगलों में दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जवान अपनी बंदूक ताने आतंकियों पर नजर टिकाए हुए हैं। सुरक्षा बल पूरी मुश्तैदी के साथ इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है, जिससे आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो सके। 2 नवंबर को श्रीनगर के खानियार इलाके में भारी मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं आतंकियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए दो मजदूरों पर भी हमला किया था, हालांकि उनकी हालत अब स्थिर है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान श्रीनगर के खानियार इलाके में भारी गोलीबारी हुई। कथित तौर पर कल रात हुई गोलीबारी के बाद 2 नवंबर को बांदीपोरा पनहार क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले 29 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक हाई स्टेक मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। 20 अक्टूबर को गांधरबल जिले में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आतंकवादी हमले में एक डॉक्टर और 6 निर्माण श्रमिक मारे गए थे, जिसके बाद से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच आए दिन मुठभेड़ हो रही है।